जिस तरीके से बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है, उनसे मैंने हमेशा इस विषय को उठाने का काम किया कि दूसरे राज्यों में किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष इस मामले पे खामोश रहते हैं, इस पर वो कोई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात पर कहा कि हमारी बैठक का विषय बिहार में चल रही योजनाएं थी और सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि बिहार में बंगाल के छात्रों के साथ किस तरह से क्रूरता की जा रही है। मैं हमेशा इस मुद्दे को उठाता हूं कि दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। चिराग पासवान ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसका वीडियो दो दिनों से वायरल हो रहा है। भारत का संविधान हमें इजाजत देता है कि कोई भी भारतीय देश के किसी भी कोने में जाकर शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय आदि प्राप्त कर सकता है। इसके बावजूद अगर किसी राज्य में ये मानसिकता है तो ये चिंता का विषय है। अपने बयान में चिराग पासवान ने आगे कहा कि मैंने ये मामला मुख्यमंत्री के सामने रखा। नेता प्रतिपक्ष इस मामले पर चुप हैं। मैंने मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा की। मुझे खुशी है कि स्थानीय प्रशासन ने इसे तत्परता से लिया है और वहां के प्रशासन से संपर्क किया है। मुख्यमंत्री खुद इस मामले की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि उन बच्चों के साथ न्याय होगा। देखिए, मुलाकात का विषय बिहार में चल रही योजनाओं को लेकर तो था ही, हमारे मंत्रालय के भी एक दो विषय थे जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, पर सबसे महत्वपूर्ण विषय आज की तारीख में जिस तरीके से बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने हमेशा इस विषय को उठाने का काम किया कि दूसरे राज्यों में किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है। ऐसे में ये एक ऐसी शर्मनाक घटना जिसका वीडियो पिछले दो दिन से वायरल हो रहा है, जो कि अंदर तक आपको पीड़ा देती है कि आज भी क्षेत्रीयता के नाम पर इस तरीके से बर्ताव किया जाता है। भारत का संविधान हमें इजाजत देता है कि कोई भी भारतीय देश के किसी भी कोने में जाके शिक्षा हासिल कर सकता है, रोजगार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। उसके बावजूद अगर ये मानसिकता किसी राज्य की है तो ये चिंता का विषय है। ये तमाम विषय मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिए। इस बात की चिंता मेरे लिए और ज्यादा बढ़ जाती है कि कई ऐसे दल हैं जो उन्हीं के साथ गठबंधन में है। वेस्ट बंगाल की सरकार जिस दल की है, टीएमसी के साथ गठबंधन में इंडी अलायंस ये लोग बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इस मामले पे खामोश रहते हैं, इस पर वो कोई बात नहीं करते। क्या वो बताएंगे कि जिस दल के साथ वो गठबंधन में है वही दल के लोग किस तरीके से अपने ही लोगों पर, बिहारियों पर लाठी चला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसे में ये तमाम बातें मैंने मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में दी। खुशी मुझे इस बात की है, संतुष्टि इस बात की है कि स्थानीय प्रशासन ने तत्परता से इसके ऊपर कार्रवाई की। यहाँ के प्रशासन ने वहाँ के प्रशासन से भी संपर्क साधा है। मुख्यमंत्री जी खुद व्यक्तिगत तौर पर इस विषय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उन बच्चों के साथ न्याय